Good morning, students. I am Dr. Shravnir Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College, Ranchi. This is chapter 15, Plant Growth and Development, and lecture 41. Now, what is vernalization? We have already completed our photoperiodism topic. So, the next topic about flowering is vernalization. ए प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ द जुबेनाइन और वेजिटेटिव फेस एंड हैस्टनिंग फ्लावरिंग बाई ए प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्निलाइजेशन तो स्टूडेंट्स आज हम वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे ये टॉपिक हमने आपको पहले ही बताया था कि फ्लावरिंग के लिए दो टॉपिक बचते हैं हमारे मतलब फ्लावरिंग को जो इफेक्ट करते हैं एक है फोटोपीरियडिज्म दूसरा है वर्नलाइजेशन तो वर्नलाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है जिसके थ्रू से हम जुबेनाइल पीरियड को शॉर्ट कर सकते हैं वेजिटेटिव पीरियड को भी शॉर्ट कर देंगे उसी वजह से और फ्लावरिंग के तरफ हम जल्दी बढ़ सकते हैं ठीक है और इसमें एक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है ठीक है टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है कोल्ड ट्रीटमेंट नाउ वर्नेलाइजेशन इज द एक्विजिशन और एक्सीलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाई ए चीलिंग ट्रीटमेंट तो वर्नेलाइजेशन क्या होता है एक एक्सीलरेशन है किसमें फ्लावरिंग के लिए ठीक है और इसमें एक चीलिंग ट्रीटमेंट किया जाता है तो मोटा मोटी आप इसको याद रखेंगे कि फर्निलाइजेशन में चीलिंग ट्रीटमेंट होता है आ, ताकि फ्लावरिंग जल्दी से हो मेनी प्लांट्स लाइक बाइनियल्स डू नॉट फ्लावर बिफोर दे एक्सपीरियंस ए लो टेम्परेचर दे ग्रो वेजिटेटिव ड्यूरिंग द वार्म सीजन रिसीव लो टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर ग्रो फर्दर एंड देन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तो स्टूडेंट्स ये एक नॉर्मल फेनोमेनन है जिसमें आप देखते होंगे कि जो दो साल में फ्रूट्स देने वाले या फ्लावर देने वाले प्लांट होते हैं जिसको हम बाइनियल्स कहते हैं इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर जब ये जर्मिनेट करते हैं उसके बाद ये ग्रोथ पीरियड में जाते हैं तो इनका ये ग्रोथ पीरियड ओनली फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उस समय गर्मी का मौसम रहता है ठीक है जब ये जाड़े के मौसम में आते हैं तो पूरी तरह से ये ग्रोथ पीरियड में ही रहते हैं उसके बाद ये फ्लावरिंग करते हैं ठीक है और फ्रूट्स बनाते हैं तो यानी कि ऐसा पौधा जो एक समर को भी ले रहा है एक एक विंटर को ले रहा है उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग हो रहा है ये नेचर में होता है लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें हम चाहें कि नहीं सेम ईयर में ही वो फ्लावरिंग और आ, मतलब फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब हो जाए तो उसके लिए हम लोग को वर्निलाइजेशन प्रोसेस को देखना होगा नाउ साइट ऑफ वर्निलाइजेशन वर्निलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है द स्टिमुलस ऑफ वेजि वर्निलाइजेशन रिसिप्ड बाई शूट टिप्स रूट एपिक्स डेवलपिंग लिप्स एट्सेट्रा कहाँ से वर्नलाइजेशन शुरू होता है तो शूट टिप में होता है रूट एपिक्स में होता है और जो डेवलप्ड लिप्स होते हैं उसमें होता है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन इट रिक्वायर्स थ्री कंडीशंस इसमें तीन कंडीशंस मस्ट है स्टूडेंट्स नंबर वन लो टेम्परेचर ज़ीरो टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड और इसमें ध्यान रखा जाएगा कि कभी भी ये लो टेम्परेचर के बाद ही एकाएक हाई टेम्परेचर यानी 40 डिग्री टेम्परेचर में इसको एक्सपोज नहीं करना है इससे क्या होगा कि यहाँ पर वर्नलाइजेशन का जो इफेक्ट था लो टेम्परेचर में वो खत्म हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डी वर्नलाइजेशन ओके स्टूडेंट्स तो पहला हम लोग जान रहे हैं वर्नलाइजेशन का कंडीशन है लो टेम्परेचर दूसरा कंडीशन है ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कितने देर तक हम रखते हैं लो टेम्परेचर में थर्ड है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स भी चाहिए इसमें और चौथा है हाइड्रेशन चाहिए प्रॉपर हाइड्रेशन मतलब वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए और पांचवा है ओ यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एकदम मस्ट है प्लांट के लिए जब हम भर्नेलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं नाउ प्रोसेस भर्निलाइजेशन ट्रीटमेंट गिवेन टू जर्मिनेटिंग सीड्स मॉइस सीड्स आर एक्सपोज टू ए टेम्परेचर ऑफ जीरो जीरो डिग्री टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए फ्यू वीक एंड सोन टू द फील्ड्स तो जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो जनरली uh, हम लोग इसको जर्मिनेटिंग सीड्स में करते हैं ठीक है सीड्स को पूरी तरह से पानी में भिंगा लिया जाता है स्टूडेंट्स उसके बाद ये जीरो टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको रखा जाता है कुछ हफ्ते के लिए और उसके बाद इसको सोन किया जाता है फील्ड्स में नाउ मेकनिज द स्टिमुलस बाय द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ शूट्स और एम्ब्रियो टिप इज ट्रांसलोकेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड प्रिपेयर इट टू फ्लावर द स्टीमुलस है वर्नेलिन ठीक है तो स्टिमुलस जैसे ही रिसीव होता है आपका शूट में और एम्ब्रियो टिप में तो वो ट्रांसलोकेट हो जाता है पूरे प्लांट में और इस स्टिमुलस का क्या नाम है इस केमिकल का नाम है वर्नेलिन इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नेलाइजेशन तो प्रैक्टिकल फील्ड में हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या है वर्नेलाइजेशन का हेल्प टू शॉर्टनिंग द पीरियड बिटवीन जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग तो जर्मिनेशन के बाद जो फ्लावरिंग के बीच में एक लंबा पीरियड होता है स्टूडेंट फर्निलाईजेशन करने से वो पीरियड शॉर्ट हो जाता है सोइंग ऑफ विंटर क्रॉप इन स्प्रिंग सीजन आप विंटर क्रॉप को यानी जो क्रॉप सिर्फ विंटर में होता है उसको आप स्प्रिंग में भी लगा सकते हैं नंबर थ्री इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड डिजीजेस अब क्या होता है कि चूंकि ऑलरेडी भर्नलाइजेशन में सीड जो है वो एक्सपोज हो जाता है बहुत लो टेम्परेचर में ज़ीरो टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड में तो उसमें एक रेजिस्टेंस बन जाता है ताकि वो कितनों भी ठंडा विंटर हो उसको वो बर्दाश्त कर लेता है और डिजीज से भी ये फ्री हो जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो इसको आप पढ़ लेंगे छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका वर्नलाइजेशन का आप पढ़ेंगे डेफिनेशन और प्रोसेस पढ़ लेंगे क्या होता है वर्नलाइजेशन के लिए आ, कौन सा टेम्परेचर सही होता है हम क्यों वर्नलाइजेशन करते हैं ये पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा ओके थैंक यू